मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे सैटरडे एंड डेट इज थर्डे। दिस इज क्लास टू इंग्लिश लिटरेचर बुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई डियर स्टूडेंट, प्लीज ओपन योर बुक। लास्ट क्लास वी स्टार्ट चैप्टर टू, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट चैप्टर थ्री। आवर टॉपिक नेम इज टीम विजिट्स अ डेंटिस्ट। विजिट मतलब टीम, जो एक लड़का का नाम है, बॉयज़ का नाम है, वो क्या करता है, डॉक्टर के यहाँ जाता है। किस लिए? डेंटिस्ट क्या लोग क्यों जाते हैं, दांत में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। चलो एक लिप्स एक झलक हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। ए डॉक्टर हु ट्रीट्स टीथ एंड गम प्रॉब्लम्स इज कॉल्ड अ डेंटिस्ट। डेंटिस्ट किसे करते हैं, जो क्या होता है हमारे दांतों में जो प्रॉब्लम होता है उसके उसके ट्रीटमेंट के लिए जो डॉक्टर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। हैव यू एवर विजिट्स अ डेंटिस्ट इन द गिविन पोएम। ये जो पोएम है, ए चाइल्ड विजिट्स अ डॉक्टर हु एडवाइस हिम वेज टू कीप हिम टीथ हेल्दी। लेट्स रीड द पोएम एंड नो द वे ऑफ कीपिंग द टीथ हेल्दी। इस पोएम बताया गया कि टिम नाम का एक बच्चा रहता है, जो क्या होता है उसके दांतों में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है। तो वो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे दांतों की इस दांतों को उनके केयर के लिए क्या क्या उसे सजेशन देते हैं उसके बारे में हम लोग इस पोएम में पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। द डेंटिस्ट इन हिज कोट ऑफ वाइट। क्या होता है, डेंटिस्ट किस कोट में रहता है, तो व्हाइट कलर के कोट में होते हैं। डॉक्टर लोग तो व्हाइट कोट में पहने रहते हैं ना। गिव लिटिल टिम ट्रेबल फाइट। और ये टीम क्या होता है, बहुत ही मुसीबत झेल रहा होता हो। ही मेड हिम ओपन हिज माउथ वाउट वाइड। वाइड मतलब चौड़ा। डॉक्टर क्या बोलते, तुम अपने मुंह को चौड़ा करो, ओपन करो और चौड़ा करो। एंड लुक एट ऑल द टीथ इनसाइड। और वो क्या करेंगे, जब टीम अपना मुंह खोलेगा तो क्या करेंगे, दांत के अंदर चारों तरफ से वो देखेंगे। ही शुक हिज हेड एंड टोल्ड पुअर टीम। और ये टीम क्या होता है, बहुत ही डरा हुआ महसूस करता रहता है वो। दैट टू मेनी स्वीट्स फेयर बैड फॉर हिम। और डॉक्टर उसे बताते हैं कि बहुत सारे ये मिठाई ये सब खाना क्या होता है, मिठाई चॉकलेट मिठाई ये सब खाना क्या होता है, बैड हैबिट्स होता है, ये सब नहीं खाने चाहिए। हैव सम मिल्क एंड बटर एंड चीज। क्या करना है, कुछ दूध और बटर ये सब खाना चाहिए। फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल प्लीज। और क्या करना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स कृपया खाना चाहिए। ब्रश योर टीथ बोथ मॉर्निंग एंड नाइट। ब्रश क्या करना चाहिए, सुबह और शाम में, क्या तो नाइट मतलब सुबह और रात में सोने के टाइम अपने ब्रश को दोनों टाइम साफ करना चाहिए। यूज ए सॉफ्ट ब्रश डैट्स राइट। और ज़्यादातर सॉफ्ट ब्रश जो होता है, मुलायम ब्रश होता है, वही करना अच्छा होता है, उसी से ब्रश करना सबसे अच्छा तरीका है। एंड यू विल स्माइल एंड नेवर फियर। और वैसा तुम करोगे ना तो कभी तुम डरोगे नहीं, हमेशा हंसते हुए रहोगे और दर्द नहीं करेगा कभी तुम्हारे दांतों में। द डेंटिस्ट यू विजिट ट्विस अ ईयर। और डेंटिस्ट के पास क्या करना चाहिए, ट्विस मतलब क्या होता है, प्रति वर्ष क्या करना चाहिए, साल में दो बार जाकर आप अपने डेंटिस्ट के पास दो बार जाकर दांत को दिखवा लेना चाहिए। तो आप लोग को भी अच्छे से दांत एवरीडे प्रतिदिन क्या करना चाहिए, टू टाइम्स आप लोग को ब्रश करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए ना। और ब्रश क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो चलो एक बार अच्छे से इसे पढ़ लेते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा इस पोएम में क्या बताया गया, टीम और डॉक्टर के बारे में बताया गया। तो आप लोगों को कैसे ये याद करना है वैसे हम बता रहे हैं अभी। द डेंटिस्ट इन हिज कोट ऑफ वाइट कैब लिटिल टिम अ ट्रेवल फाइट राइट। ही मेड हिम ओपन हिज माउथ वाइड एंड लुक एट ऑल द टीथ इन साइड। ये चार लाइन आप लोग याद कर लेना, उसके बाद नेक्स्ट है ही शुक हिज हेड एंड टू टोल्ड पोर टिम दैट टू मेनी स्वीट्स वेयर बैड फॉर हिम। हैव सम मिल्क एंड बटर एंड चीज फ्रेश फ्रूट एंड ग्रीन वेजिटेबल प्लीज। ब्रश योर टीथ बोथ मॉर्निंग एट नाइट यूज ए सॉफ्ट ब्रश दैट्स जस्ट राइट एंड यू विल स्माइल एंड नेवर फियर द डेंटिस्ट यू विजिट ट्विस अ ईयर। ओके, तो आप लोग अच्छे से याद कर लोगे ना। क्या करना है, पहले चार लाइन याद करना है, फिर उसके बाद फिर चार लाइन याद करना, फिर उसके बाद फोर लाइन आप लोग याद कर लेना। वैसे क्या होगा, आप लोग को पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। देखो न्यू वर्ड्स में देख लो आप लोग, कुछ वर्ड्स दिए हुए, ट्रेवल वेरी सीरियस मतलब मुसीबत झेलना, बहुत ही कठिनाई वाला समय जो होता है वो। फ्राइट इफ फीलिंग ऑफ फियर मतलब वो
दांतों के दर्द से क्या होता है, वो डरते रहता है कि डॉक्टर कैसे देखेगा। सुख मूव अप एंड डाउन और साइड टू साइड, क्या करता है मतलब साइड साइड टू वो दांतों के अंदर, अप टू अप एंड डाउन साइड साइड में वो देखते हैं कि किस साइड में दांतों में क्या प्रॉब्लम है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आप लोग को बनाना है, बुक में फिल करना है। द डेंटिस्ट वार वियरिंग, कौन सा कोट पहने रहता है, तो व्हाइट कलर का कोट पहने रहता है, व्हाइट कोट। द डेंटिस्ट लुक एट ऑल ऑफ टिम्स फिंगर स्किन टीथ, टिम किस लिए जाता है डॉक्टर के डेंटिस्ट के पास, तो टीथ के लिए। द डेंटिस्ट टोल्ड टिम डैट टू मेनी डैश वेयर बैड फॉर हिम, तो स्वीट्स क्या होता है हमारे लिए बैड होता है ना, स्वीट्स खाना बुरा बुरी आदत है ना, क्योंकि उसी से हमारे दांत में दर्द होते थे। चलो ये आप लोग को बुक में फिलअप करना है और उसके बाद पोएम को अच्छे से याद कर लेना है। 5 टाइम्स आप लोग को ये लिखना भी है, राइट करना है और उसके बाद याद करना है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में ट्रू फॉल्स और क्वेश्चन आंसर देखेंगे।